हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहो सब सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि HTTP क्लाइंट क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या इम्पोर्ट करना होता है। और दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है HTTP और HTTP क्लाइंट में। बहुत सारे व्यूवर्स के हमारे पास मैसेज और मेल्स आए हुए हैं कि डिफरेंस क्या होता है HTTP और HTTP क्लाइंट में, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि पहले HTTP था, फिर HTTP क्लाइंट आया जो 4.3 प्लस वर्जन के बाद आ गया, तो क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंस है, और कोडिंग में कहाँ पर इम्पैक्ट होता है, कहाँ पर क्या चेंज करना होता है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, HTTP क्लाइंट क्या है कि HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करता है, और ये कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, एंगुलर के अंदर कॉमन फोल्डर है, उसके बाद HTTP, इस लाइब्रेरी से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। और ये जो है दोस्तों 4.3 के प्लस के वर्जन जो आया एंगुलर का, उसमें आया था और इस पैकेज के अंदर मिला, एंगुलर और कॉमन डॉट HTTP पैकेज के अंदर, मीन्स किसको लाइब्रेरी बोलते हैं एंगुलर का, इस लाइब्रेरी के अंदर ये मिलता है, इसको इम्पोर्ट करना होता है हमें, राइट। और अगली बात यह है दोस्तों कि क्या क्या इसमें अपग्रेड किया गया, राइट, कौन कौन से इम्प्रूवमेंट आए, तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले नंबर पे इम्यूटेबल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल बनाया गया। इंटरसेप्टर लाया गया दोस्तों इसमें, मीन्स कि इंटरसेप्टर क्या करता है कि मिडिलवेयर लॉजिक को क्या करता है कि इंसर्ट करता है पाइपलाइन में, मीन्स कि दोस्तों इंटरसेप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या, इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो उसको हम एक अच्छे से देखेंगे दूसरे वीडियो में कि इंटरसेप्टर क्या होता है, राइट। इसके बाद प्रोग्रेस इवेंट पर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी हम गेट कर लेते हैं, राइट। टाइप्ड होता है, इवेंट फायरिंग होता है, सिंक्रोनस रिस्पॉन्स बॉडी एक्सेस होता है इसमें, ये जेसन बॉडी और जेसन बाई डिफॉल्ट का जो होता है उसको एक्सप्लिसिटली पार्स कर देता है, राइट। उसके बाद होता है दोस्तों कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है जेसन ऑब्जेक्ट का, और पोस्ट रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन भी करता है। ये सारी चीज़ें जो 11 मैंने डाल रखा है इम्प्रूवमेंट बेनिफिट्स, आप ये ही चेंज हुए थे HTTP और HTTP क्लाइंट आया तो, राइट। उसके बाद बात होती है दोस्तों कि कोडिंग में कहाँ हम चेंज करें, राइट, क्या करना होता है कोडिंग में। तो HTTP क्लाइंट जब हम यूज करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, जो कि हमें एंगुलर के कमन के अंदर HTTP लाइब्रेरी से मिलता है। अगर बात करते हैं, और इसको इंपोर्ट करने के बाद हमें इंपोर्ट्स के अंदर इसको डिक्लेयर करना होता है, रजिस्टर करना होता है। अगर HTTP मॉड्यूल की बात करें तो हमें डायरेक्टली एंगुलर के अंदर HTTP फोल्डर के अंदर मिल जाता है, लाइब्रेरी के अंदर मिलता है, और यहाँ पर HTTP मॉड्यूल केवल इंपोर्ट करना होता है। और पीछे आप देख लीजिए, यहाँ पे HTTP क्लाइंट में हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल करते हैं, और HTTP में केवल HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। ये मेजर डिफरेंस है, आपको ये ध्यान देना होगा, राइट। अगला होता है दोस्तों कि कोडिंग में जब हम इसको सर्विस बनाते हैं तो HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पर मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे थे, वो ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल के अंदर करना होता है, और ये हमारे सर्विस की बात हो रही है, तो यहाँ पर HTTP क्लाइंट करते हैं, HTTP के अंदर ही होता है ये, कॉमन फोल्डर के अंदर HTTP लाइब्रेरी के अंदर, और ये इसको यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं HTTP क्लाइंट को, राइट। अगर HTTP होगा तो आप यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस इसका, यहाँ पर हम HTTP को इम्पोर्ट करेंगे और HTTP को ही इंजेक्ट कर लेंगे, राइट। मीन्स कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि सर्विस में भी हमें क्या करना होता है, HTTP को इम्पोर्ट करना होता है और HTTP को इंजेक्ट करते हैं, और यहाँ पर HTTP क्लाइंट में हम क्या करते हैं, HTTP
क्लाइंट को इंपोर्ट करते हैं और HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पर HTTP मॉड्यूल में क्या होता है दोस्तों कि हमें HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं app.module.ts फाइल के अंदर, और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल में क्या होता है कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। और एक बार फिर मैं आपको ये रिपीट कर दूँ कौन कौन से इम्प्रूवमेंट आए, जो कि यहाँ बात ध्यान देने वाली जरूरी बात है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में ये कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सके, याद रखें, राइट। मींस कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को इसको इम्यूटेबल बनाया गया, इंटरसेप्टर लाया गया कि हम अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी मिडलवेयर लॉजिक में चेंज कर सकें, इंसर्ट कर सकें वहाँ पर। यहाँ पर हम मिडलवेयर लॉजिक को इंसर्ट करने की बात हो रही है दोस्तों, मीन्स कि हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी हम एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं इंटरसेप्टर के थ्रू, तो मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में। उसके बाद प्रोग्रेस इवेंट्स फॉर बोथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दोनों के लिए प्रोग्रेस इवेंट्स लाया गया इसमें, राइट। उसके बाद इसको टाइप्ड किया गया, इवेंट फायरिंग किया गया, सेंक्रोनस रिस्पॉन्स बॉडी एक्सेस के लिए इसको किया गया। इसके बाद सपोर्ट जेसन बॉडी टाइप एंड जेसन बाई डिफॉल्ट एंड नाउ नो नीड टू स्पेशलिटी पास, राइट। इसको अब पास करने की जरूरत नहीं होगी, ये अब बाई डिफॉल्ट हो गया इसका, राइट। उसके बाद ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो गया फ्रॉम जेसन टू एन ऑब्जेक्ट, जेसन को हम डायरेक्टली ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। पोस्ट रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसका हम, पोस्ट रिक्वेस्ट जाने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं इसको, राइट। उसके बाद प्लस बेस्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क, मीन्स कि टेस्टिंग के लिए भी ये दोस्तों बहुत ईजी कर दिया गया इसको, और सिंप्लीफाइड सिंटेक्स फॉर हेडर्स, हेडर्स जो जाता है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। और एक चीज़ और ये होता है इसमें एरर हैंडलिंग भी इजीली यूज कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं HTTP और HTTP क्लाइंट में डिफरेंस, राइट। मीन्स कि ये सारी चीज़ें HTTP में नहीं था, और कोडिंग को भी मैंने दिखाया कहाँ कहाँ पर कोडिंग में चेंज करना होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और उसके कन्फ्यूजन को, आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे अगले वीडियो में। एक चीज़ और आपको बताऊं दोस्तों कि HTTP और HTTP क्लाइंट का जो मेथड होता है गेट पोस्ट, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिए, विजिट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।